अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना हंसा का ट्रिप। हम लोग यहाँ पे रुके थे 3 दिन के लिए, और 3 दिनों में हम कहाँ कहाँ पर गए, हमारी फ्यूल कॉस्ट क्या आई, हम जिस होटल में रुके थे वहाँ पर क्या कॉस्ट आई, हमने जहाँ पे खाना खाया वहाँ पे क्या कॉस्ट आई, ये सारी चीजें मैं आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा और हमारी कितनी कितनी कॉस्ट आई और आपको किस जगह को ट्राई करना चाहिए और किस जगह को नहीं ट्राई करना चाहिए। तो आप भी अगर प्लान कर रहे हैं हंजा जाने के लिए तो ये व्लॉग है आपके लिए। इस व्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको प्रॉपर डिटेल्स मिल सके। और अगर आप लोग नहीं प्लान कर रहे हंजा जाने के लिए तब भी ये व्लॉग्स आप देख सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं हंजा के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे और उसके साथ साथ हर एक वो चीज़ जो हम लोगों ने वहाँ पर ट्राई की और क्या क्या एक्टिविटीज हम लोगों ने वहाँ पे की, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी इस व्लॉग के अंदर। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग स्कर्दू से निकल चुके थे और स्कर्दू से निकलने के बाद हमने जगलोट से जब राइट साइड पे टर्न किया है तो ये रास्ता जो है ये आपका हुंजा की तरफ जाता है। जगलोट से हुंजा तक तकरीबन आपको 3 से 3.5 घंटे का रास्ता लगता है। और लेफ्ट साइड पे जो मार्केट आप देख रहे थे वो सारी की सारी गिलगित था। और हम लोग गिलगित साइड पे नहीं गए, हम लोग हुंजा आ रहे थे क्योंकि हुंजा एक बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ का हम लोगों ने प्लान डन किया हुआ था और जिस होटल में हमने अपनी बुकिंग करवाई हुई थी वो होटल रश होने की वजह से फुल हो चुका था। इस वजह से हमें उस होटल में तो जगह नहीं मिल सकी, तो हम लोगों ने उसके ऑल्टरनेटिव किसी और होटल में हम लोग रुक गए। इस होटल का प्रॉपर व्लॉग जो है, ये जो प्रॉपर वीडियो है वो मैं दिन के टाइम आपके साथ शेयर करूंगी क्योंकि रात के टाइम हम लोग थके भी बहुत ज्यादा हुए थे। सिर्फ सामान वगैरह रखा है और जो बच्चों की जरूरी चीजें चाहिए थी सिर्फ हमने वो उठाई है। और हम लोग आ गए थे करीमाबाद क्योंकि रात का खाना भी खाना था और कुछ मार्केट वगैरह में घूमना था, इस वजह से हम लोग करीमाबाद आ गए थे। करीमाबाद यहाँ का बहुत अच्छा बाजार है जहाँ पर आपको हर तरह की चीज मिल जाती है। अगर आप लोग हंसा में आ रहे हैं तो आपको करीमाबाद जरूर जाना चाहिए क्योंकि यहाँ की ट्रेडिशनल चीजें, खाने, फ्रूट्स और इस तरह की हर तरह की चीज आपको करीमाबाद से मिल जाती है। करीमाबाद के लोग भी बहुत अच्छे हैं, ओवरऑल हंसा के लोग बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ का एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा। यहाँ पर हम लोग आए, कुछ चीजें एक्सप्लोर की और यहाँ पर एक बेकरी थी अल करीम बेकरी। उनके पास जितने भी प्रोडक्ट्स थे वो इनकी नेचुरल चीजों से बने हुए थे जो कि ऑर्गेनिक थी सारी की सारी, जिसमें उन्होंने फ्रूट्स की मदद से केक्स बनाए हुए थे, बिस्किट्स बनाए हुए थे। तो कुछ चीजें हमने वहां से ट्राई की और वो चीजें काफी अच्छी थी। उसके अलावा हम लोगों ने इनकी जितनी भी मार्केट थी उसको एक्सप्लोर किया, कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें मिल रही हैं, क्योंकि जब आप किसी जगह पर घूमने के लिए आते हैं और इस तरह बाजारों में जाकर उनकी ट्रेडिशनल चीजें नहीं देखते हैं तो फिर आप लोगों को उतना मजा नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने काफी सारा अपना टाइम स्पेंड किया है। बच्चों को बैठा लिया था स्ट्रॉलर में क्योंकि बच्चों को गोद में उठा के घूमना बहुत मुश्किल काम है। तो अगर आप भी आ रहे हैं किसी लॉन्ग ट्रिप के लिए तो अपने बच्चों के लिए स्ट्रॉलर या ऐसी कोई चीज लाजम लेकर आए ताकि आपके बच्चे जो हैं वो आपको इतना ज्यादा तंग नहीं करें। तो ये वो बेकरी थी जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रही थी, जहाँ से हम लोगों ने ट्राई किया इनका मलबरी केक और वॉलनट कुकीज जो कि टेस्ट में थी बहुत अच्छी। अगर आप लोग भी जा रहे हैं हंसा तो इनकी बेकरी की आइटम्स जरूर ट्राई कीजिएगा। एक तो ये शुगर फ्री है और दूसरा इसमें कोई भी मैदा नहीं इस्तेमाल हुआ, गंदम के आटे से बनी हुई है। इसके बाद पहुंचे हैं हम इनके एक ट्रेडिशनल शॉप पे जहाँ पर आपको कारपेट्स मिल जाएंगे हैंडमेड, इसके अलावा आपको मिल जाएंगे इनके बने हुए फ्रॉक्स और ये जितने भी आप स्टोन वर्क्स देख रहे हैं सारा का सारा स्टोन इनके यहाँ के पहाड़ों का है और इसको तराश कर बनाया गया है। यहाँ पर इनके ट्रेडिशनल बर्तन वगैरह जो हैं और पोशाकें वगैरह, यहाँ पे कारपेट्स आपको बहुत ज्यादा मिल जाते हैं क्योंकि यहाँ के लोग कारपेट्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं। यहाँ पर हम लोग पहुंचे हैं पंजाब होटल क्योंकि हमें खाना था रात का खाना और भूख बहुत जोर से लगी हुई थी, इस वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम रेडी टू ईट चीज लेंगे क्योंकि बिरयानी पहले से तैयार होती है। रात को होटल में जाके सोए और सुबह हमें अर्ली मॉर्निंग उठा था क्योंकि हम लोगों ने जाना था चाइना बॉर्डर और चाइना बॉर्डर के लिए हमें टाइमली निकलना था। फिर भी हम लोगों ने उठते उठते काफी लेट हो गए। नाश्ता वगैरह किया है और हम लोगों ने अपना सफर स्टार्ट कर दिया है चाइना बॉर्डर की तरफ। अगर आप लोगों में से पहले कोई हंजा आया है तो उसको पता होगा कि कितनी खूबसूरत इनके पहाड़ है, कहीं पे पथरीले पहाड़ हैं, कहीं पे हरियाली है और कहीं पे आपको बर्फ वाले पहाड़ नजर आते हैं। मतलब हर एक नजारा जो है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है।
आज का दिन बहुत ज्यादा गर्म था। वैसे यूजुअली हंसा में बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती, मगर जुलाई का एंड था इस वजह से यहाँ पे गर्मी काफी ज्यादा थी। तो हम लोग यहाँ से जा रहे थे चाइना बॉर्डर की तरफ, और रास्ते में जिन जिन जगहों पे हम लोग रुके या जो जो जगह भी आए, वो सब की सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लेक है जिसे अताबाद लेक के नाम से जाना जाता है। 2010 से पहले इसका वजूद नहीं था, और अचानक से ये लेक कैसे वजूद में आई, इसकी हिस्ट्री मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पर एक गांव हुआ करता था अताबाद नाम का, और उस गांव में बहुत शदीद किस्म की लैंडस्लाइडिंग होने की वजह से वो गांव जो था वो सारा का सारा पानी और लैंडस्लाइडिंग के जरिए वो सारा का सारा गांव बह गया, जिसके नतीजे में अताबाद लेक बन गई। और ये इंसिडेंट हुआ था जनवरी में 2010 में, और उसके बाद ये अताबाद लेक बनी थी। पहले यहाँ पर गांव हुआ करता था। तो आप लोगों में से जो लोग पुराने हैं या उनका जाना आना हंसा में हुआ है, तो वो लोग इस बात को जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते उनके साथ मैंने ये अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, क्योंकि मुझे भी इसी दफा आकर पता चला। हालांकि इससे 2 से 3 दफा पहले भी मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, मगर इसकी ये वाली हिस्ट्री मुझे नहीं पता थी। तो ये टनल थी, टनल को जैसे ही हमने क्रॉस किया बहुत ही ज्यादा ठंडी हवाएं आना शुरू हो गई थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी, और यहाँ पे हमने अपने शीशे खोल लिए थे। मोहम्मद रायान मेरी गोद में था और वो बार बार कैमरे को पकड़ रहा है, और मैं कोशिश कर रही थी कि मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे सीन्स जो हैं वो कैप्चर कर लूँ, मगर जब बच्चे साथ होते हैं तो ये सारी चीजें तो साथ ही लगी ही रहती हैं। मोहम्मद रेयान को मैंने गोद में बिठाया हुआ था, और ईमान और दानीन और मेरी जो नंद थी वो पीछे वाली सीट पे थी। और ये है वो खूबसूरत लेक जिसके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था, अताबाद लेक। अगर इसे देखा जाए तो ये ऐसे लगता है ये कोई मस्नूई पानी है जिसका रंग इतना खूबसूरत है। ये नीले रंग की लेक है और इतनी खूबसूरत लेक है, और ये तकरीबन 20 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी ये लेक है। इतनी बड़ी ये लेक है और इतनी ही ये खूबसूरत लेक है, और इसका एक पॉइंट भी है जहाँ पर आप जाकर स्टे भी कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत ज्यादा होटल्स भी बने हुए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग राफ्टिंग कर रहे हैं, और इसके अलावा यहाँ पर कश्तियाँ भी चलती हैं, बोट्स भी चलती हैं। यहाँ 3 तरह की बोट्स चलती हैं, वो डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ देर बाद, क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट डे का व्लॉग है उसके अंदर हम लोग गए थे अताबाद लेक, और वो प्रॉपर वीडियो शेयर करूंगी, और कॉस्ट भी शेयर करूंगी। यहाँ पे अगर आप राफ्टिंग करना चाहते हैं तो कितना खर्चा आता है राफ्टिंग करने पे। और यहाँ पे हम लोग जा रहे थे, बच्चों को हमने प्रॉपरली पैक कर दिया था और उनको गर्म कपड़े पहना दिए थे। हालांकि यहाँ पे काफी गर्मी थी, मगर हमें अंदाजा था कि चाइना बॉर्डर वाली साइड पे काफी ज्यादा ठंड होगी। मोहम्मद रेयान का गला खराब हो चुका था, उसको फ्लू हो चुका था, और उसकी तबीयत काफी ज्यादा डाउन थी, और वो बहुत ज्यादा तंग भी कर रहा था। और मैं सोच रही थी कि बच्चों के साथ ट्रैवल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, मगर मैं यहाँ पर आपके साथ एक टिप शेयर करूंगी कि अगर आप लोग अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आ रहे हैं घूमने फिरने के लिए, तो यहाँ पे मौसम जो है बहुत ज्यादा तब्दील होते हैं, और अगर स्पेशली अगर आप लोग गर्मियों में आ रहे हैं तो अपने बच्चों को अगर आप गर्म कपड़े पहना रहे हैं नहला धुला कर, तो आप लोग एसी ऑन नहीं करें। गर्म या ठंडा आप जैसे ही बच्चों को करते हैं बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है। इवन हम लोगों के भी गले वगैरह खराब हो गए थे यहाँ पर। तो अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पे गर्मी वगैरह है, तो आप लोग नॉर्मल कपड़े पहने, अगर नहलाते धुलाते हैं बच्चों को और उसके बाद कपड़े वगैरह चेंज करवाते हैं, तो डायरेक्ट एसी के अंदर नहीं लेकर जाए, थोड़ा सा उनको नेचुरल हवा में रखें। हम लोगों ने स्कर्दू में ऐसा किया था और बच्चों को एसी के अंदर रखा था, और उनकी तबीयत स्कर्दू से खराब हो गई थी। तो रात को बच्चों को कहवा वगैरह पिलाया, और साथ में हम लोगों ने एक थर्मस के अंदर पानी रख लिया है। हम लोग जब घर से निकले थे तो हम लोगों का प्लान था यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्टोव लेकर आने का, मगर जगह कम होने की वजह से हम इस तरह की कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं लेकर आए, और आते हुए हम अपनी कैटल भी भूल आए, क्योंकि यहाँ पर आते हुए आप लोगों को मस्ट जो एक चीज़ चाहिए होती है वो एक कैटल चाहिए होती है। और अगर आप लोगों के पास कैटल नहीं है तो आप लोग आते हुए एक थर्मस जरूर लेकर आए, और आपके पास अगर बच्चे हैं तो स्पेशली थर्मस जरूर लेके आए, जिसके अंदर आप पानी को गर्म या ठंडा रख सकें, और इसके अलावा दूध वगैरह। तो हम लोगों ने यहाँ से एक थर्मस ले लिया था, जिस होटल में हम लोग रुके हुए थे उन्होंने हमें एक थर्मस प्रोवाइड कर दिया था, बच्चों के लिए पानी गर्म करके हम लोगों ने साथ रख लिया था। और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, और फ्यूल हम लोगों ने यहाँ पे नहीं डलवाया था। हमारा मूड ये था कि हम लोग सुस्त बॉर्डर के पास पहुँच कर वहां से हम लोग फ्यूल की जो
फ्यूल रिफिल करवाएंगे, मगर हम लोग जैसे ही सुस्त बॉर्डर पहुंचे हैं तो वहां पर फ्यूल खत्म हो चुका था, और वो लोग बता रहे थे यहाँ पे 2 से 3 घंटे में फ्यूल आएगा, तो आप लोग रुक के यहाँ पे इंतजार कर ले। मगर बजाय इसके वहां पे 2-3 घंटे हम रुकते, उतनी देर में हम लोगों ने चाइना बॉर्डर पहुंच जाना था। इस वजह से हम लोगों ने वहां पे स्टे नहीं किया और हम लोग आगे चले गए, और यहाँ से ही खूबसूरत आपको पहाड़ नजर आ रहे हैं, हम लोग पहुंच चुके हैं पासु कोन्स। और पासु कोन्स बहुत खूबसूरत जगह है, ये जितने भी आपको पहाड़ नजर आ रहे हैं जिनके ऊपर बर्फ गिरी हुई है, सारे के सारे पासु कोन्स है। यहाँ पर हम लोग कुछ देर रुके हैं, फोटोज वगैरह बनाई है, फोटोज वगैरह बनाने के लिए हम लोगों ने अपना सफर स्टार्ट कर दिया। और इस पॉइंट पे हम लोगों को बहुत ज्यादा भूख लगने लग गई थी, हम लोगों ने सुबह से नाश्ता किया हुआ था, और चाइना बॉर्डर आपको तकरीबन 4 से 4.5 घंटे का सफर है, तो यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा भूख लगने लग गई थी। और हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग वापस आके अताबाद लेक पे कुछ खाएंगे, या फिर हम लोग सुस्त बॉर्डर पे रुक के कुछ खा लेंगे, मगर ये था कि बच्चे भी बहुत ज्यादा तंग कर रहे थे और हम लोगों को चाइना बॉर्डर भी पहुंचना था, इसलिए हम लोगों ने कहीं पे भी स्टे नहीं किया खाना खाने के लिए। और अगर आप लोग कहीं इस तरह चाइना बॉर्डर के लिए निकल रहे हैं, तो अपने साथ गो टू स्नैक्स या फिर कुछ भी ऐसा खाने पीने के लिए जरूर लेकर जाएं, क्योंकि चाइना बॉर्डर पे आपको कुछ भी खाने पीने का सामान नहीं मिलता, जैसे कि बहुत सारे पॉइंट्स पे आपको मिल जाता है, तो आप अपने साथ खाने पीने का सामान जरूर रखें। हम लोगों के पास स्नैक्स तो थे मगर खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, तो हम लोगों ने वहां पर जो गुजारा था अपना स्नैक्स वगैरह के साथ किया। और यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी ये थी कि हम लोगों ने जो रात को बिरयानी खाई थी, उस बिरयानी के ऑलमोस्ट 1 प्लेट बच चुकी थी, और उस 1 प्लेट को हम लोगों ने इसी तरह रख लिया था, क्योंकि यहाँ पे फ्रिज वगैरह तो है नहीं और मौसम बहुत ज्यादा ठंडा था, तो हम लोगों ने उसको इसी तरह रख लिया। तो जब हम होटल से निकल रहे हैं, तो वो मैंने गाड़ी में पैक रख लिया था। बासित मुझे कह रहे थे कि हम इसका क्या करेंगे, ये खराब हो जाएगी, मगर मैंने फिर भी उसे गाड़ी में रख लिया। जब इस पॉइंट पे हमें बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, तो सबने वही बिरयानी एंजॉय की, और इवन वो बिरयानी खराब भी नहीं हुई थी। और ये इतने खूबसूरत पहाड़, यहाँ हम चाइना बॉर्डर के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, यहाँ पर आपको बर्फ के पहाड़ नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे इतनी ठंड हो चुकी थी कि आप शीशा नीचे करके ये वेदर जो है प्रॉपरली एंजॉय नहीं कर सकते थे, क्योंकि इधर ठंड थी, और हम लोग तो इस चीज को एंजॉय कर सकते हैं मगर बच्चों के लिए काफी मुश्किल था, इसलिए मोहम्मद रेहान को प्रॉपर कैप पहनाई है। कैप पहनाने के बाद उसको 2-3 स्वेटर पहनाए, स्वेटर पहना के मैं कोशिश कर रही थी कि ये सो जाए, और अगर ये सो जाएगा तो हम लोग वहां पर जाकर कुछ देर जो है एंजॉय कर लेंगे। मगर इसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी, रास्ते में मैंने इसको दवाई वगैरह भी दी है, तो मेरा यही प्लान था कि अगर हम लोग चाइना बॉर्डर पे पहुंचते हैं तो मैं बाहर नहीं निकलूंगी, मैं मोहम्मद रेहान के साथ गाड़ी में स्टे करूंगी और बाकी सब जो है बाहर जाके एंजॉय कर लें। तो प्लान तो मेरा ये था, मगर ऐसा हुआ नहीं, और यहाँ पे हम लोग पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट चाइना बॉर्डर के पास, और आप लोगों को बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे बहुत प्यारी जगह है। और अगर आप लोग फैमिली के साथ यहाँ आए हुए हैं, तो यहाँ पर रुक सकते हैं, रुक कर कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बहुत प्यारे प्यारे व्यूज थे, बहुत खूबसूरत जगह थी, और सबसे अच्छी बात है यहाँ पर गर्मी नहीं थी, यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम था। लास्ट टाइम जब हम चाइना बॉर्डर आए थे, उस टाइम तो यहाँ पर इतनी ज्यादा ठंड थी कि हम लोग शायद 5 मिनट भी बहुत मुश्किल से बॉर्डर के पास खड़े हो पा रहे थे, और उसके बाद हम लोग गाड़ी में आ गए थे, क्योंकि वहां पे ठंड ही बहुत ज्यादा थी। मगर इस दफा जो वेदर था वो हमें काफी अच्छा मिला, जिसकी वजह से हम लोगों ने काफी देर वहां पे रुक गए, तकरीबन हम आधा घंटा वहां पे रुके हैं, वहां पे रुक के हमने फोटोज वगैरह बनाई हैं, और ये रास्ता हमारा ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो और हम लोग पहुंच जाएंगे चाइना बॉर्डर। ये रास्ते का जितना भी व्यू है, ये बहुत खूबसूरत था, बहुत प्लेजेंट था। आप लोग सोच रहे होंगे ये ट्रक्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो ये ट्रक्स यहाँ से पाकिस्तान से चाइना जाने के लिए आए हैं, और ये यहाँ पर आकर ये लोग रोक देते हैं, और यहाँ से चाइना के ड्राइवर्स जो हैं वो इसको आगे लेकर जाते हैं, और इसी तरह जो चाइना से चीजें यहाँ पर पाकिस्तान में आ रही होती हैं, वो चाइना के ड्राइवर्स इस जो जगह पर लाकर वो ट्रक्स खड़े कर देते हैं, और यहाँ से पाकिस्तान के ड्राइवर्स जो हैं वो जो कराकरम रोड है उसके थ्रू पाकिस्तान के अंदर जो है वो सारी की सारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस तरह हो रही होती है हमारी। और बच्चों को हम लोगों ने बिठा लिया, प्रॉपर तरीके से पैक कर लिया, और मोहम्मद रेहान को तो इतना पैक हम लोगों ने कर लिया था कि उसके हाथ भी नजर नहीं आए, कि उसको उसकी तबीयत पहले ही ज्यादा खराब थी और ज्यादा खराब ना हो जाए। तो ये था यहाँ का हाइएस्ट
एटीएम पहले यहाँ पे सिर्फ पंजाब बैंक का होता था, अब एचबीएल का भी बन गया है। बहुत सारी फैमिलीज, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए थे, बहुत सारे लोग अपना खाना साथ में लेकर आए हुए थे, जो यहाँ पे बैठकर अपना खाना वगैरह एंजॉय कर रहे थे, और बहुत सारी फैमिलीज वैसे ही यहाँ पर आई हुई थी। और ये सारे बर्फ के पहाड़ हैं जो कि आपको दूर से नजर आ रहे होते हैं, बिल्कुल करीब आपके आ जाते हैं, और बहुत खूबसूरत व्यू था यहाँ पर। ये जो व्यू देखने के लिए लोग आते हैं तो रास्ते की सारी खबारी उनकी खत्म हो जाती है। और ये वो गेट है जिसके थ्रू चाइना से चीजें आती हैं और चाइना जाती हैं। ये पाकिस्तान से एक ट्रक चाइना में जा रहा है, और ये चाइना के पास जाके वहां से ये चाइनीज ड्राइवर्स जो हैं वो या पाकिस्तान की इस पोर्ट से उस पोर्ट की तरफ लेकर जा रहे हैं। और इस दरवाजे से उस तरफ जाने की इजाजत किसी को भी नहीं है, इससे पहले यहाँ पर आप खड़े होकर अपनी फोटोज वगैरह बना सकते हैं। वापसी पे हम निकले हैं, और हम लोगों ने बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग एक कैफे में पहुंचे, और यहाँ पे पहुंच के हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया। यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर किया चाइनीज नूडल्स, जो जिसको हम लोग चाइ चाउमिन भी कहते हैं, चिकन चाउमिन यहाँ पे हमने ऑर्डर किया, और 450 रुपए की एक प्लेट थी, और हमें नहीं पता था कि वो कैसी होगी। मगर हम लोगों ने यहाँ के बहुत सारे लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कि यहाँ का ये बहुत अच्छा होटल है, यहाँ से आप खाना खा सकते हैं। और ये इनका होटल भी था और रेस्टोरेंट भी था। ये बैक साइड पे इनका सारा होटल था, जहाँ पे इनके फ्रूट्स के दरख्त वगैरह लगे हुए थे, और फ्रंट पे इनका सारा का सारा रेस्टोरेंट था। और ये हमारी चिकन चाउमिन थी, जो कि टेस्ट में बहुत अच्छी थी। अगर आप लोग भी चाइना बॉर्डर से वापसी पे खाने का प्लान कर रहे हैं, और अगर आप लोगों को वाकई शौक है किसी ऑथेंटिक चाइनीज खाने का, तो आप लोग यहाँ पे रुक सकते हैं। इसका सॉस बहुत अच्छा सा टैंगी सा था, और यहाँ पे खाना वगैरह हम लोगों ने खा कर सो गए थे। होटल में आके नेक्स्ट डे का व्लॉग था, नाश्ता वगैरह किया है, और नाश्ते के बाद हम लोगों को जाना था एक्सप्लोर करने कुछ और चीजें। और हम लोग जा रहे हैं अब अलतत बलतत फोर्ट की तरफ, जो कि करीमाबाद वाली साइड से रास्ता आता है, और पाकिस्तान के इलाके गिलगित बल्तिस्तान की वादी हुंजा का बलतत किला, जो 700 साल पहले तामीर किया गया था। इस किले के 62 दरवाजे हैं। सन 1945 तक हुंजा के हुक्मरानों की जेरे इस्तेमाल था। इसके बाद 1999 में हुंजा के आखिरी हुक्मरान के बेटे ने बाकायदा तौर पर बल्तित हेरिटेज ट्रस्ट के हवाले कर दिया, जिसके बाद ये अब एक अलतत बलतित फोर्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप जाते हैं और बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करते हैं, और ये तकरीबन बहुत ज्यादा पुराना किला है, जो कि अभी भी वैसे का वैसे है। ये जितना भी इनका ट्रेडिशनल जिस तरह खाने बनते थे और जो सारी चीजें होती थी, वो कारपेट्स, वो सारे पीसेस यहाँ पर उसी तरह मौजूद हैं। और ये वहाँ के गार्ड हैं, और ये भी बड़े ही यूनिक किस्म के हैं, इनकी बड़ी लंबी लंबी सी मूछें हैं। और वहां से हम लोग अलतत बलतत फोर्ट के बाद हम लोग पहुंचे एक्सप्लोर करने के लिए ईगल नेस्ट। ईगल नेस्ट एक सनसेट का पॉइंट है, और आप सनसेट के टाइम पे या सनराइज के टाइम पे वहां पर जाते हैं, और उस पॉइंट पे जाकर आप सनसेट या फिर सनराइज को के व्यू को एंजॉय करते हैं। मगर हम लोग सनसेट से पहले यहाँ पर जा रहे थे, उसकी वजह ये थी क्योंकि हमें इसके बाद अताबाद लेक भी जाना था। और यहाँ पर हम ईगल नेस्ट के रास्ते में जा रहे हैं, यहाँ पर आपको रास्ते में इनका ये जो गाँव है वो सारा नजर आ रहे हैं। और यहाँ से पथरीला इलाका है, पत्थर से लोगों ने अपने घर वगैरह बनाए हुए हैं, और बड़ी ही खूबसूरती से बनाए हुए हैं। इन पहाड़ियों पे औरतें लड़कियां चढ़ती उतरती हैं, और हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, मगर उन लोगों के लिए काफी इजी है, क्योंकि उन लोगों के घर यहाँ पर है। और यहाँ पर रास्ते में आपको बहुत सारे फ्रूट्स दिखते हैं। यहाँ पर आपको आड़ू, खुबानी, आलू बुखारा, चेरी और इस तरह के बहुत ज्यादा फ्रूट्स के दरख्त आपको नजर आते हैं, और ये जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर हम लोग पहुंच गए हैं अपने ईगल नेस्ट के पॉइंट पे। ये इसका व्यू पॉइंट है, जहाँ पर लोग आते हैं बहुत दूर से सनसेट का व्यू देखने के लिए, मगर हम सनसेट का व्यू तो नहीं देख पाए। उसके बाद हम लोग नीचे पहुंचे, और हम लोगों ने देखा यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत चेरीज लगी हुई हैं। चेरीज के बाद यहाँ पर ये अखरोट थे, अखरोट यहाँ पे ग्रीन कलर के भी थे, अभी पके नहीं थे, इसको तकरीबन 2 माह बाद ये अखरोट पक जाने थे, और अभी ये अखरोट कच्चे थे। और अखरोट को जैसे ही मैंने पकड़ा और नाखून से काटने की कोशिश की, इसके अंदर इतना तेज ब्राउन कलर था कि वो मेरे हाथों पे लग गया। और ये सारा वो पॉइंट था जहां से चढ़कर आपको ईगल नेस्ट के लिए जाना था। ईगल नेस्ट पे जाने के लिए रास्ता काफी मुश्किल है, आपको जॉगर्स वगैरह पहन के आने चाहिए, सनसेट
सिंपल जूते वगैरह नहीं पहनने चाहिए। और ये वो ईगल नेस्ट है जिसकी दो आंखें चोंच बनी हुई है, जहां पर बैठकर भी आप पिक्चर्स वगैरह बनवा सकते हैं। और ये सारा का सारा व्यू था जो आपको वहां से खड़े होकर नजर आ रहा था। यहाँ पर बच्चों ने, हम सब ने फोटोज वगैरह बनाई। मोहम्मद रेहान गाड़ी में सो रहा था और उसको हम एक जो होटल के गार्ड थे उनके हवाले कर रहे थे कि अगर ये उठता है तो उसको देख लें। तो जब तक हम लोगों ने यहाँ से वापस किया तो मोहम्मद रेहान भी उठ चुका था और वो उन अंकल के पास था। और यहाँ पर इतनी गर्मी थी कि हम लोगों ने रुक कर यहाँ पर ठंडे जूसेस और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ली और इस जगह पर आकर इन सब चीजों को एंजॉय किया। यहाँ पर आपको ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी मिल सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स में आप लोगों के पास यहाँ पर सूखी खुबानी, सूखा सेब और इस तरह की चीजें, ये एप्पल क्रिस्प है जो इन लोगों ने सन ड्राई किए हुए थे। और अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ वो जगह जहाँ पर चेरीज पैक होती हैं और हम लोगों तक पहुँचती हैं। ये वो गार्डन्स हैं जहाँ से चेरीज ये लोग बाल्टियों में तोड़ कर वाफर मकदार में और इसको डब्बों के अंदर पैक करते हैं और पैक करने के बाद सेल करते हैं। ये मौसम यहाँ पर तकरीबन चेरीज का खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट, और जो लास्ट लास्ट चेरीज हैं वो ये लोग सेल कर रहे हैं। सेल वरना यहाँ पर आप जितना भी फ्रूट है बिना खरीदे खा सकते हैं और अपने घर भी लेकर जा सकते हैं, मगर सीजन बिल्कुल एंड चल रहा है जिसकी वजह से ये सारी चीजें आपको खरीदनी पड़ती हैं। तो ये सारा इनका प्रोसीजर है और ये लोग बड़ी बड़ी बाल्टियों के अंदर उस सारे फ्रूट को तोड़ते हैं। ये डब्बे इनके पास होते हैं और इन डब्बों के अंदर ये प्रॉपर तरीके से पैक करते हैं ताकि फ्रूट जो है वो खराब नहीं हो जाए। और इसको जोड़ कर प्रॉपर तरीके से पैक कर ये जितनी भी शहर है उन जगहों पे जाकर इसको थ्रू प्रॉपर चैनल इसको सेल किया जाता है। और यही वो चेरीज हैं जो हमें मिलती हैं यहाँ से जाने के बाद, शायद 3-4 दिन बाद या 1-2 हफ्ते बाद, मगर यहाँ पे ये बिल्कुल फ्रेश हैं और बहुत मजे की हैं। यहाँ से हम लोग ईगल नेस्ट से जब वापस निकले हैं तो हम लोगों को जाना था अताबाद लेक, और रास्ते में हम लोगों ने रुक कर तोड़ी खुबानियाँ और इसके अलावा आड़ू और इस तरह की कुछ चीजें खाने के लिए। और इनको खाने से ज्यादा जो है इनको तोड़ने का मजा आता है। उसकी वजह ये कि आपके ये तोड़ना या फिर इनको उतारना इतना आसान है क्योंकि ये बहुत ज्यादा वाफर मकदार में आपको यहाँ से मिल जाती हैं। तो यहाँ पर आके हम लोगों ने ये सब कुछ किया और तोड़ने के बाद हम लोग चले गए अताबाद लेक की तरफ। और ये यहाँ की कम्युनिटी है जो कि ऊपर नीचे आ जा रही है, पहाड़ों पर चढ़ रही है, उतर रही है, मगर हम जैसे लोगों के लिए काफी मुश्किल है। और ये वो जगह है जहाँ से हमने खुबानी और इसके अलावा जो है आड़ू तोड़े थे और ये बहुत खूबसूरत थे। यहाँ पर ये बहुत ही प्यारे सेब लगे हुए, सेब तकरीबन 2 से 3 कलर्स में आपको नजर आ रहे हैं और अभी छोटे थे ये सेब। और ये टनल क्रॉस करने के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे अताबाद लेक। अताबाद लेक बहुत ही एक खूबसूरत जगह है। अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हो तो कम से कम आप यहाँ पर 2 से 3 घंटे जरूर गुजारे क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर जाके आप एंजॉय करते हैं बोटिंग, राफ्टिंग और जेट स्की वगैरह। और उसकी डिटेल्स भी मैं आपके साथ इस ब्लॉग के अंदर शेयर करूंगी कि हम लोगों ने क्या क्या यहाँ पर किया और कितनी कितनी कॉस्ट आई हमारी यहाँ पर। तो यहाँ से हम लोग जब निकले हैं और अताबाद पहुंच गए, अताबाद तकरीबन आप हंजा से आधा घंटा आपको लगता है और आप अताबाद पहुंच जाते हैं। और ये वो खूबसूरत झील है जहाँ पर हम लोग आए थे। आज हमें किसी भी सर्द जगह पे नहीं जाना था, इस वजह से हमने बच्चों को कपड़े जो हैं वो बहुत ज्यादा लाइट पहनाए थे। खुद भी हम लोगों ने नॉर्मल कपड़े पहने थे, कोई जैकेट वगैरह नहीं ली थी। उसकी वजह ये थी कि हम हंसा के अंदर ही थे और यहाँ पे जो वेदर था वो काफी अच्छा था। यहाँ पर आप लोग आते हैं और आने के बाद आपको पार्किंग में अपनी गाड़ी वगैरह लगानी है। पार्किंग में आप जैसे ही गाड़ी लगाते हैं उसके बाद आपको नीचे की तरफ उतरना है, और नीचे की तरफ जैसे ही उतरते हैं आपको बहुत ज्यादा आपको फूड स्टॉल्स और इस तरह की चीजें मिल जाती हैं यहाँ पर। खाने पीने की आप लोगों को यहाँ पर लाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें, आपको कॉफी या कोई भी चीज खाने का आपको दिल चाह रहा है यहाँ पर सब कुछ आपको मिल जाता है। और यहाँ पर लगा हुआ था नेशनल का सेटअप, नेशनल और बाकी सारी कंपनीज के, 2-3 और कंपनीज के सेटअप्स यहाँ पर लगे हुए थे। और इन कंपनीज के सेटअप्स की वजह से लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। उसकी वजह ये है कि आपको एक रिजनेबल प्राइस में एक अच्छी चीज मिल जाती है, वरना ऐसे जितने भी स्पॉट्स होते हैं वहाँ पे आपको चीजें बहुत ज्यादा महंगी मिलती हैं। यहाँ पर हम लोगों ने जो प्राइस थी 180 की प्राइस थी, इसकी
के अलावा यहाँ पर लाइट भी हो रही है। और यहाँ से हम निकल कर नीचे की तरफ जा रहे थे और यहाँ पे दो स्पॉट आर्ट लगे हुए थे, एक ऑलपर्स का लगा हुआ था और हमारी लेफ्ट साइड पे नेस्कैफे का लगा हुआ था। इस तरह की कंपनीज के स्पॉट्स की वजह से एक तो चीजें आपको अच्छी मिलती हैं और मिलती भी बहुत रिजनेबल है। ऑलपर के सेटअप पे आके हम लोगों ने एंजॉय किया इनका इनकी कॉफी कैपेचिनो, जो कि बहुत अच्छी थी और इसकी प्राइस थी 350 रुपीज ईच। और यहाँ पर हम लोग आए हैं, हम लोगों का मूड था हम लोग जेट स्की लेंगे, मगर बच्चों के साथ बासत कह रहे थे वो काफी ज्यादा डेंजरस हो जाती है, इस वजह से हम लोगों ने जो बोट सेलेक्ट की थी उसके चार्जेस थे 6,000 रुपीज पर बोट। उस पर आप अपनी फैमिली को लेकर जा सकते हैं और तकरीबन 20 से 25 मिनट का वो चक्कर होता है जो कि आप लोग घूम फिर कर आते हैं। मगर हमारे साथ थे 3 लोग, एक और फैमिली ने भी लेनी थी तो हम लोगों ने उनके साथ कोऑर्डिनेट करके ले लिया। उनकी फैमिली के मेंबर ज्यादा थे, उन्होंने 4,000 पे किया, हमने 2,000 पे किया और इस तरह हम लोगों ने बोट भी इंजॉय कर दी। तो अगर आप लोग भी ऐसा ही कुछ प्लान कर रहे हैं तो आप लोग भी 2-3 फैमिलीज इकट्ठे होकर एक बोट में बैठ के जा सकते हैं, क्योंकि बोट में काफी ज्यादा जगह होती है। हमारी और उनकी फैमिली बैठने के बावजूद भी काफी ज्यादा स्पेस इसमें खाली थी। ये वाली वो बोट थी जिसके अंदर हम लोगों ने बोटिंग की थी और ये बहुत ज्यादा सेफ है, आप बहुत छोटे बच्चों को भी साथ लेकर आ सकते हैं और बहुत खूबसूरत व्यू है। अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं तो बोटिंग लाजम करें, क्योंकि इसके बोटिंग बहुत ज्यादा आप इंजॉय करते हैं। पानी बहुत खूबसूरत है, बहुत ठंडा है और बिल्कुल भी ये डेंजरस नहीं है, बहुत ही स्लो ये बोट चल रही होती है। आपके छोटे बच्चों को भी कोई खतरा नहीं है, अगर आप छोटे बच्चों के साथ कुछ माएं बैठना चाहती हैं तो वो इजीली इसके अंदर बैठ सकती हैं। इस बोटिंग को एंजॉय करने के बाद, ये सारा व्यू एंजॉय करने के बाद हम लोगों का प्लान बना जेट स्की का, क्योंकि ये बहुत स्लो थी और बच्चों के लिहाज से तो ठीक थी मगर बड़ों का यही मूड होता है कि उनको फास्ट में कुछ ना कुछ चाहिए। तो मैंने और मेरी जो नंद है उन्होंने मिलकर जेट स्की ली और हम लोगों ने जेट स्की दूसरी वाली नहीं ली, एक बहुत फास्ट होती है और एक नॉर्मल होती है। जो नॉर्मल वाली थी हम लोगों ने वो वाली इंजॉय की और यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे और बच्चों का मूड था ये सारी की सारी जैकेट जो है हम रिमूव कर दें, और रिमूव करने के बाद हम लोग पानी के अंदर हाथ लगाएं। पानी को देख के बच्चों को बहुत ज़्यादा ये होता है कि वो लोग पानी के अंदर जाएं, तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा कि आप लोग अगर बच्चों को पानी में लेकर जा रहे हैं तो उनका ख्याल रखें कि वो पानी वगैरह की तरफ ज़्यादा नहीं जाए, क्योंकि इस पानी की गहराई बहुत ज़्यादा है और बहुत मुश्किल है अगर इसके अंदर से कोई चला जाए उसको वापस लाना। 7-7:30 बजे के करीब ये लोग इस एरिया को बंद कर देते हैं और यहाँ पर कोई भी बोटिंग वगैरह नहीं होती है। और ये खूबसूरत पहाड़, ये नज़ारे, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे जाके इंजॉय कर सकते हैं। और ये वो दूसरी वाली बोट थी जिसको हम लोगों ने लिया, इसके चार्जेस थे 2,000 पर पर्सन 10 मिनट्स के लिए, तो ये हम लोगों को मिली थी 2,000 के अंदर 2 पर्सन के लिए, तो ये तकरीबन 10 मिनट का इसका चक्कर था और ये फास्ट थी उसके मुकाबले में। इससे भी ज़्यादा जो फास्ट है वो दूसरी वाली है, उसके चार्जेस है 5,000 पर पर्सन। और ये बोट हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय की थी और यहाँ पर हम लोग अपने जॉगर्स और शूज़ वगैरह पहन कर गए थे। अगर आप लोग ये वाली बोट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आते हुए आप लोग अपने शूज़ उतार के चप्पल्स वगैरह पहन के आएँ, क्योंकि इस बोट के अंदर पानी आता है और आपके शूज़ जो हैं भीग जाते हैं और आप पानी को प्रॉपर तरीके से इंजॉय नहीं कर पाते अगर आप लोगों ने शूज़ वगैरह पहने हुए हैं। तो ये बोट बोटिंग का एक्सपीरियंस तो हमारा बहुत अच्छा रहा। यहाँ पर हम लोगों ने बोटिंग की है, बोटिंग करने के बाद कॉफ़ी पी है, कॉफ़ी पीने के बाद हम लोगों को लगी थी भूख और भूख लगी थी तो हम लोग पहुँचे नेशनल के सेटअप पे और वहाँ जाके हमने ऑर्डर किया जिंगर बर्गर। जिंगर बर्गर उनके पास इतना ज़्यादा रश था कि हमारे जिंगर बर्गर को आने में तकरीबन आधा घंटा लग गया, मगर जिंगर बर्गर उनका बहुत ज़्यादा एवरेज था, बहुत अच्छा नहीं था, एवरेज उसे कह सकते हैं। और ये जिंगर बर्गर आपको मिल जाता है 150 रुपये में, प्राइस के लिहाज से तो ठीक था मगर वैसे बहुत एवरेज था। और यहाँ पे हमारे टेबल पे एक क्यूट सी बच्ची आ गई थी जिसको मायोनीज बहुत पसंद था और उस बच्ची ने मायोनीज इतना एंजॉय किया, इतना एंजॉय किया और हम लोगों ने भी उसके साथ साथ एंजॉय किया। वहाँ से फ्री होने के बाद हम पहुँचे हैं अपने होटल में और आज मैं आपको प्रॉपर टूर दूंगा अपने होटल का, हम जिस जगह पे रह रहे हैं वो किस तरह की, ये बालकनी टाइप है जहाँ से हम गुजर कर जाते हैं,
और गुजरने के बाद राइट साइड वाला रूम भी हमारे पास था, उससे आगे वाला रूम भी हमारे पास था। ये यहाँ पे नाशपाती लगी हुई है, नाशपाती के साथ यहाँ पर और बहुत सारे जो हैं फल वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये सारा व्यू था और बड़ा खूबसूरत व्यू था। और ये जो वो जगह है जहाँ पर आपके बच्चे वगैरह खेल सकते हैं, या आप अपने कपड़े वगैरह आयरन करना चाहते हैं तो इस जगह पे कर सकते हैं। इस होटल में टोटल 3 कमरे थे और हम लोगों का बेडरूम जो था वो ये था। ये बच्चों के लिए हम लोगों ने सेटिंग बनाई हुई थी नीचे की, और जो ऊपर था वो हमारे पास था। वॉशरूम भी साफ सुथरे थे और बहुत अच्छा होटल था। मेरी तरफ से फुल रिकमेंडेड है, अगर आप लोगों में से कोई जाना चाहता है तो वो यहाँ पे जरूर जाए। इसका जो कांटेक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी ताकि आप लोग उनसे कांटेक्ट कर सकें। और हम लोग पहुंचे करीमाबाद बाजार में, और यहाँ पर आके हम लोगों ने एक्सप्लोर की इनकी और भी बहुत सी चीजें। यहाँ पर हम लोगों ने, मेरा मूड था यहाँ पर वुडन स्पून्स लेने का, क्योंकि वुडन स्पून्स मुझे बहुत ज्यादा फैसिनेट करती है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। और मैं चाह रही थी कि मैं अपने लिए काफी सारी वुडन स्पून्स ले लूंगी, मगर इनकी प्राइसेस सुनने के बाद मैंने अपना इरादा जो है वो खत्म कर दिया, क्योंकि एक छोटी स्पून आपको 500 रुपए की मिल रही थी और एक जो नॉर्मल चमचा था वो तकरीबन 1500 से 2000 रुपए का था। वो हम लोगों ने नहीं लिया क्योंकि ये एप्रिकॉट के दरख्त की जो लकड़ी होती है उसमें ये बना हुआ होता है, इस वजह से ये काफी एक्सपेंसिव था। उसके बाद हम लोग खाना खाने के लिए पहुंचे पिज्जा पामीर, क्योंकि हम लोगों ने सुना था यहाँ का पिज्जा बहुत अच्छा है, और वाकई ही इनका पिज्जा बहुत अच्छा था, इनका खाना बहुत अच्छा था। यहाँ पे हम लोगों ने पिज्जा और पास्ता ट्राई किया। अगर आप लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं और कुछ खाने के लिए डिफरेंट सोच रहे हैं तो यहाँ पर आके इनका फूड आप इंजॉय इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग निकले हैं और यहाँ से हम लोगों को जाना था होटल, मगर होटल जाने से पहले हम लोग रुक गए ड्राई फ्रूट की शॉप पे, क्योंकि हम लोगों को चाहिए था कुछ ड्राई फ्रूट। आप लोग घुंजा आ रहे हैं और ड्राई फ्रूट ना लेकर जाएं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हमने रुक कर कुछ ड्राई फ्रूट खरीदा। ड्राई फ्रूट यहाँ पर एक तो आपको रिजनेबल प्राइस में मिल जाता है और दूसरा बहुत अच्छा मिल जाता है। वो सारी चीजें ली है। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का हमारा था ब्लॉग, जिसके अंदर हमारा ये वापसी का था। सारे तैयार हो चुके थे। तैयार होने के बाद यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा हो गया था। जिस दिन हम लोगों ने जाने का प्लान किया उस दिन यहाँ का वेदर बहुत अच्छा हो गया। और आज हम पंजाब होटल की बजाय हम लोग रुके हैं बट कढ़ाई पे, और हम लोगों ने नाश्ता किया बट कढ़ाई पे। बट कढ़ाई का नाश्ता बहुत अच्छा था एज कम्पेयर टू पंजाब टिक्का, क्योंकि पंजाब टिक्का का चने वगैरह इतनी अच्छी हमें नहीं लगी थी, मगर ये है कि इनका जो नाश्ता था वो काफी अच्छा था, और स्पेशली इनकी चाय बहुत अच्छी थी। बासत को अपना अंडा नहीं पसंद आया, उसकी वजह ये थी कि वो लोग हाफ फ्राई एग ले आए थे और बासत को फुल फ्राई एग चाहिए था। और यहाँ पे हम लोगों ने अपना नाश्ता एंजॉय किया। चाय इनकी बहुत अच्छी थी। यहाँ पर पूरे हंसा के अंदर आपको दूध की चाय, खुले दूध की चाय मिलना बहुत मुश्किल होती है, मगर ये है कि यहाँ पर आपको खुले दूध की चाय मिल जाएगी। और हम लोगों ने नाश्ता वगैरह करने के बाद यहाँ से निकले हैं और अपना सामान वगैरह सारा फिट कर लिया है। और रास्ते में खूबसूरत वेदर है, मौसम बहुत अच्छा हो चुका था। जितनी गर्मी हम लोगों ने 2 दिन यहाँ पे देखी थी, आज बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी। और हम लोग यहाँ से जब निकले हैं मौसम बहुत अच्छा था, और दिल चाह रहा था कि हम लोग 1-2 दिन और यहाँ पर रुक जाए, मगर हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। हम लोग निकल पड़े क्योंकि हम लोगों का मूड ये था कि हम लोग जो रात का खाना है वो जाकर खाएंगे नारायण के अंदर, यहाँ से बाबू से टॉप पहुँच के। रास्ते में हम लोग लंच करने के लिए रुके हैं रेशम होटल, ये जगलोर के अंदर आपको मिल जाता है। और पहले तो इनका खाना बहुत अच्छा था, अब इनका खाना बहुत ज्यादा एवरेज है। आपको तकरीबन 600 रुपये में एक बर्गर मिलता है, जिसमें एक छोटा सा बर्गर होता है और उसमें एक छोटा सा फिले होता है, मगर ये कि टेस्ट में अच्छा था और क्वांटिटी इसकी बहुत कम थी। तो अगर आप लोग यहाँ से खाना चाहते हैं खाना, तो आप यहाँ से भी खा सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन हमारा 1800 रुपये खर्चा आया था, हम लोगों ने 3 बर्गर ऑर्डर किए थे। खाना वगैरह खाया है, हम लोग जा रहे थे इसके बाद बाबूसर टॉप, और बाबूसर टॉप पे हमने थोड़ी देर रुकना था, उसके बाद हम लोगों ने नारायण जाना था। नारायण से हम लोगों ने रात को डिनर वगैरह करके डायरेक्ट निकलना था घर के लिए, मगर रास्ते में हमारे साथ हो गई ट्रेजेडी। वो ट्रेजेडी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, पहले आप इस बर्गर को देख लें। ये था वो बर्गर जो हमने ऑर्डर किया था रेशम से, उसकी प्राइस थी 600 रुपीज, और इसके अंदर मोहम्मद रेयान ने उंगलियां मार दी। और उसके बाद जैसे ही हम बाबू सर टॉप पहुंचने में हमें तकरीबन आधा घंटा रह गया था, इस जगह को इन लोगों ने सील कर दिया। उसकी वजह ये थी कि ऊपर लैंडस्लाइडिंग हो रही थी, और लैंडस्लाइडिंग इतनी कोई खास नहीं थी, मगर इन लोगों ने हमें बहुत अच्छे तरीके से हवार कर दिया।
और यहाँ पे तकरीबन हम 2 ढाई घंटे रुके हैं, और 2 ढाई घंटे के बाद हम लोगों ने सोचा कि रात यहाँ से जो गुजारनी है, तो इसका जो दूसरा रास्ता है कराकरम रोड वाला, वो वाले रास्ते के थ्रू हम लोग बशाम चले जाते हैं, और वहां से आगे मोटरवे है तो हम लोग घर पहुंच ही जाएंगे। तो जिस रास्ते से हम लोग कराकरम रोड वाले रास्ते से आए, वो रास्ता बहुत 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 ज्यादा डेंजरस था, और वहां पर रात के टाइम ड्राइविंग बहुत मुश्किल है। बहुत जगहों पे वो लोग आपकी गाड़ी रोक देते थे और फिर स्टार्ट करते थे, मगर ये है कि रात सुबह जब हम पहुंचे 4 से 5 बजे बशाम, तो हम लोगों ने प्लान किया कि हम यहाँ पे रेस्ट करेंगे, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी इतना सफर करने के बाद। तो हम लोगों ने वहां पे किया रेस्ट, और 3 4 घंटे रेस्ट करने के बाद सुबह फ्रेश होने के बाद बच्चों को लिया, नाश्ता वगैरह किया यहाँ के कोयटा होटल से बशाम में, और इनका नाश्ता बड़ा अच्छा था, चाय भी बहुत अच्छी थी। और यहाँ से नाश्ता वगैरह करने के बाद फाइनली हमने अपना सफर स्टार्ट किया इस्लामाबाद के लिए, और इस टाइम पे हम लोग इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे क्योंकि हम लोगों को रास्ते में खवारी बहुत ज्यादा मिली थी। जो बशाम वाला रास्ता था वो सारा का सारा किसी जगह से टूटा हुआ था, और साइड्स पे उसके कोई भी बैरियर्स नहीं थे, लैंडस्लाइडिंग का बहुत इशू था, फिर उस साइड पे डैम्स वगैरह बन रहे हैं, रश भी बहुत ज्यादा था, और बशाम में आपको बहुत ज्यादा अच्छे होटल भी नहीं मिलते। हमें बहुत एक एवरेज सा होटल मिला था जहाँ पे हमने रेस्ट की थी। और वहां से निकलने के बाद यहाँ से एबटाबाद से होते हुए हम लोगों ने वापस जाना था इस्लामाबाद के लिए। और हम लोगों से बातों बातों में मुझे ये तो याद ही नहीं रहा कि मैंने अपना जो टोटल कॉस्ट थी वो आपके साथ शेयर करनी थी। रूम का जो हमारा रेंट था वो 3500 रुपीज पर नाइट था। इसके अलावा हम लोगों का जो फ्यूल लगा था हुंजा से लेके चाइना बॉर्डर का, वो 5000 का था। जी हाँ, 5000 रुपये में हम चाइना बॉर्डर पहुंच गए थे। इसके अलावा टोटल हमारी फ्यूल कॉस्ट जो आई थी इस पूरी ट्रिप पे, जो हमारा 7 दिन का था, इस पे हमारी ऑलमोस्ट 30,000 फ्यूल कॉस्ट आई थी। हम लोग लेके गए थे ऑल्टो, अपनी गाड़ी थी हमारी मैनुअल थी, और जो दूसरी फैमिली थी उनकी ऑटोमेटिक थी। दोनों गाड़ियां आपकी यहाँ पे इजीली जा सकती हैं, और हमारा जो टोटल खाने पीने और इन सब चीजों को मिलाकर जो हमारी टोटल कॉस्ट इस ट्रिप पे आई वो तकरीबन 80 से 90,000 थी।